लमुआ के पूर्व सपा विधायक ने जारी किया वीडियो संदेश। सुल्तानपुर जनपद के विधानसभा लमुआ के पूर्व सपा विधायक संतोष पांडे ने एक वीडियो संदेश जारी करते हुए भगवान परशुराम का फरसा ना गिरा ना टूटा है, बल्कि एलईडी लाइट लगाने के लिए उतारा गया है बताया। हाल ही में इस संबंध में एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था, जिसके बाद पूर्व सपा विधायक संतोष पांडे ने एक वीडियो जारी कर संदेश दिया है। आइए सुनते हैं पूर्व विधायक संतोष पांडे ने इस बारे में क्या कहा है। जय भगवान परशुराम। मित्रों, अभी मुझे कुछ चैनलों में क्लिप देखने को मिली कि भगवान परशुराम जी का फरसा गिर गया है। मैं ये अपने मीडिया बंधुओं से कहना चाहता हूँ कि ना फरसा गिरा है, उसको हमने पुलिंग कराया था और उसमें चूंकि खूबसूरती बढ़ाने के लिए एलईडी लाइट और तमाम और उसको व्यवस्था करनी थी, जो कि ऊपर से हवाई जहाज की ट्रैकिंग होती है, हवाई जहाज वहाँ से लैंडिंग के लिए प्रोसेस में जाता है। और मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये पुलिंग के कारण, ये देखिए अभी इसमें पाइप पड़ी हुई है और इसी पाइप से एलईडीज को हमको बढ़ाना है, लाइट ऊपर से जाएगी, इसलिए वो पुलिंग के चक्कर में थोड़ा सा बैलेंसिंग खराब हो गया था, इसलिए वो थोड़ा सा उखड़ गया। बाकी ये फरसा एक दो दिन में ही बहुत जल्दी से जल्दी असेंबल हो जाएगा और उसकी खूबसूरती और बढ़ा के उसको ज़्यादा जल्दी से जल्दी लगा देंगे। और मैं मीडिया बंधुओं से आग्रह करता हूँ कि इस तरह की भ्रांति ना फैलाएं। और चूंकि आप जाके वहाँ देखेंगे, अगर फरसा वैसे गिरता तो बेस भी उखड़ जाता, बेस वैसे के वैसे सुरक्षित है, इस तरह की कोई बात नहीं है। मैं आग्रह करता हूँ कि इस तरह की बातों पर ना ध्यान दें, ना इस तरह की बातों में माहौल खराब करें। धन्यवाद।